ਐ ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੂਪ ਐ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੂਪ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਪਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਦੋ ਮੁਝੇ ਖਾਣਾ ਕਬਾਬ रस्ते दे विच सानू जी भुख लग गई है और इत्थों जिहड़ा हैगा ना असीं खाण लगे हां कोई थोड़ा बहुत नाश्ता पानी त्रेल ही पै रही है। हाँ जी मैंने कहा पाई नहीं पाई। और ये देखो जी टाइम टू टाइम किन्नी त्रेल पै रही है। इस साइड ते कोई ज्यादा नहीं हैगी ठंड। जी हां जी ठंड है इस टाइम। हां बह जावांगे इत्थे आपां सारे। हां जी ये चेयर पे की चीज हैगी होटल ते पुछिए। अच्छा जी मेन्यू आ गया देखने जी की चीज़ है कि खाण लैबा तो सारे ना पहले बैठेगी क्यों लैबा दूसरा नंबर अब्दुल वहाब का बैठो आप सर्दी लगती पई है मेन्यू जेड़ा है ना जी इना सिस्टर दे हवाले कीता सी सूप मैं जिंदगी च नहीं पीता एक बारी असी कोई नहीं पीता ही नहीं है ना ही सानू चंगा लगना है क्योंकि फर्स्ट टाइम जेड़ी शे आनी ना वो साडे अकल तो बाहर होनी है। हाँ अगे जी कोई खाते रहना जिस तरीके की बोरंग चीज मंगाओ नॉर्मल जी सही है ना सही है थोड़ा अच्छी भी खास है। और बच्चे जेड़ा ना मसा होए बैठे ने नींद तो सर्दी तो नींद तो भी तो उन जी वैसे भी थकावट भी हो गई बहुत ज्यादा। गिलास आ चुके ने जी और गिलास दे विच नजर आ रही है बाकी सारी और पड़ रही है हां हां हम मुंह धो लिए अच्छा ये जो आपका हॉट एंड सोर सूप है ना ये हाफ ही है और क्या स्पेशल चीज़ है बारबेक्यू मेरा दिल है एक मंगवाते हैं कलमी टिक्का नमाज में एक कलमी टिक्का मंगवा लेते हैं चलो और एक कोई कढ़ाई मंगवा लेते हैं कर लो एक खाली दे रहा किन्दे विच कुछ शायद ही है सूप ते हाले आया नहीं लेकिन प्यालियां आ गईं पता नहीं ये सूप वास्ते निकली और बच्चे भी जेड़ा ना भुख भुख करते पे ज्यादा इन्हें लगती पी सर्दी बेगम साहबा इवें बच्चों लैके उसी तो जबरदस्ती इनके को एपर कटवाए ने मैं एपर लैके चल बच्चों रात को काफ़ी सर्दी होती है। हाँ लैबा इवें गल है लैबा सारे ना ज्यादा सर्दी लगती और कहती मैं ना तेरे को नहीं बहना इवें ना हाँ अम्मी को बात बहना मैं तेरे को नहीं बहना दूरों ही मैं कहती है मेरे को क्यों नहीं बहती भाई और जो है जी इतने पका रहे ने चिप्स बन रही है यह की तैयार हो रहा है सूप यह तैयार हो रहा है जी सूप और इन गोश्त पैगा वह पिया हुआ सूप तैयार हो रहा है सारे तो पहले लेट होगा मेरे ख्याल काफ़ी सारा हाँ टाइम जेड़ा है ना लगन वाला है उन्ना ताज़ा बना के देना जी शेड़ी जी शेवी देनी हाँ पकती पी है मैं वेख के आया हाँ हाँ उन्नी देर तक गाने गुने सुनो मोबाइलों से कमेंट वगैरह वेखो कमेंट किस तरह के आ रहे हैं। हाँ जी बंदा 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 वहाब उधर चला जमीन और फाइनली चिप्स और सूप जेड़ा ना आया
और भाई और कह रहे ने तुहानू ट्राई जरूर कराना सूप के खा के चेक करो कि और जिंदगी पहली बार असि सूप खान लगे हैं पीन लगे हैं पी ए पी दे के खाई दे पी दे लैबा एक मिनट सारे चिप्स चिप्स से सारे बच्चे खड़े हैं ਐ ਜੀ ਫਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈ ਲੋ ਔਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੂਪ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਰੱਬੀ ਡਾਲੇ ਖਾਓ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੀ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸੂਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੂਪ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਪੀ ਲਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਜੀ कबाब और इधर कलमी टिक्का पड़ा और ए है कि हेलो सिस्टर ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦੱਸਿਆ कलमी टिक्का हां जी हेलो बेहतरीन नाइस चलो जी ये खान पीन जेड़ा बचना है लेकिन एक चीज ये है कि भाई अहमद और नाल होंगे ना तो फिर डबल मजा आना लेकिन उन्होंने लेट होगी क्योंकि असी तकरीबन 12 बज गए सानू इतने ही तक हाँ काफ़ी लेट होगी लेकिन भुख लगी हुई सी इस करके सोचा कि खाना खा के जेड़ा ना जाइए फाइनली जी साड़ी लास्ट डिश जेड़ी है ना आ चुकी है जी और ये हैगा चिकन कढ़ाई और नाल जी रोटियां मंगाइया ने बच्चे खा रहे ने काफ़ी बच्चों जेड़ा ना भुख लगी हुई है हूँ ठीक है हूँ भुख लै गई है भुख भी लै गई है तो सर्दी भी अद्धी नालों ज़्यादा लै गई है बस चलो ठीक है जी खाने तो फिर बाद चलते हैं घर होटल जेड़ा है ना भाई होरी बंद की जा रहे हैं उन्होंने खुर्सियां उन्होंने मूदियां मारतियां ने आप हाले तक बैठे हुए हैं बारिश तो नहीं है गड्डियां स्पीडो स्पीड चल रही ने और ये वाला होटल हैगा बिल्कुल जेड़ा है ना समय रोड के उपर ही रात को असी काफ़ी लेट घर पहुँचे सी और अलहमदुल्ला खैर खरीयत नाल भैया मदरी घर पहुँच गए सी और असी पहुँच गए सी और रात में तकरीबन असी 3 बजे घर पहुँचे सी और सुबह दा आ चुका जी नाश्ता अंडा ते नाल जी पराठा नाल जेड़ा है ना कावा चल रहा है वो इस वजह तो काफ़ी सर बैन भाई अग भी एक बार मैं विखाया सी ते दुध जेड़ा हैगा ना इत्थे शहर दा असी लैंदे कोई नहीं दुध अज भी जेड़ा ना खराब हो गया सी इस करके मजबूरन कावा ही सानू बनाना पिया किलो डेढ़ दुध का जोड़ा है ना पिया सी ते खराब हो गया समझ कुधर गया सी खराब हो गया समझ नहीं आ रही खराब होया क्यों है बेगम साहब ने सुबह सुबह चाय वास्ते बॉयल किया तो लेकिन वो फुटियां बन गई जिमें दही नहीं बनती इस तरह जो बन गई फिर वो सारा दिन समझ के डोल दिता बेगम साहब बच्चों जोड़ा है ना कर रही है तैयार लैबा तो तैयार हो गई स्कूल जाने वास्ते और वहाब साहब हाले तक जो सो रहा है मैं भी कर रहा तैयारी जाने की नींदर जी ना हाले तक नहीं लथी बहुत ज़्यादा समझ लो कि दिल करता पैना सौ जाइए लेकिन शाम को आके टाइम जेटा कहना सौ जावे ब्लॉग वगैरह अपलोड करके हूँ तो समझ लो कि ना दिल कर रहे लेकिन ना मजबूरी हैगी जाना है क्योंकि रात को असं 3 बजे आए हैं 4-1 बजे सोया तो तकरीबन 8 बजे 7:30 बजे फिर उठ गया इतने की जी है ना इटा वाली पर्ची हैगी उनके उ बकाया इट लिखी हुई सी तो लेकिन बेगम साहबा ने जोड़े है ना कपड़े वगैरह मेरे धो दिते ने और वो पर्ची हैगी जेब के खुली फिरती सी मैं बटुए के रखी कोई नहीं तो हूँ उनकी प्रॉब्लम बनी खड़ी है पर्ची मिल नहीं रही बेगम साहबा कह रही उत्ते मैं कपड़े वगैरह धोते ने मैं सारी जगह समझ के देख के आया उत्थे मैंने किसी पास पर्ची वगैरह जी नज़र कोई नहीं आई लेकिन उधर कपड़े भी कोई नहीं पे कपड़े है पे ने और मेरे कपड़े इस दे विच हैं कोई मेरे ख्याल है वो पर्ची ने असल ते मैनू याद कोई नहीं कि वो किहड़े सूट दे विच हैगी सी किहड़े मैं कपड़े पाए सी किहड़े कपड़ियां दे विच मैं पाई हुई सी मैनू ही असल याद कोई नहीं मैं वाइट कपड़े भी पाए हुए सी और नीले जे कपड़े भी पाए हुए सी पता नहीं वाइट च हैगे सी नीले च एक कन्फर्म कोई मैनू कोई नहीं पता और वो जिहड़ी ना समझ लो कि हुण मिल नहीं रही और मैंने हम पट्ठे से जो नवे ही जाना पैना क्योंकि पर्ची बकाया देख भी नहीं है मेरी सारी इटा जी बकाया लेकिन लिखी हुई तो भी है
लिखण परची देनी जरूरी होंगी, लेकिन वैसे भी जान पहचान वाले हैं गल बन जाएगा, लेकिन परची मिल जाती ना तो सब तो ज्यादा बेहतर काम से, ताकि फिर टेंशन नहीं होंगी कि मैं नत्थर ला जा कोई नहीं मेरे को गुम हो गई या गलबात न कर। इस करके चलो मैं इवें चलने, उम्मीद है जो कोई मसला नहीं बनता, इटा जीडिया मिल ही जाएगी। बाकी करते हैं जी अज का व्लॉग इतने खत्म, इंशाल्लाह नैक्सट व्लॉग शाम होगा जी मुलाकात। खुदा हाफिज़, अल्लाह।